हेडलाइन पर। गुजरात सरकार का फरमान, नए साल से अटेंडेंस के दौरान जय हिंद बोलेंगे छात्र। इंदौर को मिली कई सौगात, स्वच्छता के पहले पायदान पर रहा कायम। 2019 में अपने घर का सपना होगा सच। डीडीए लेकर आएगा 25,000 फ्लैटों की आवासीय योजना। अब खबरें विस्तार से। गुजरात सरकार का ऐलान, नए साल से अटेंडेंस के दौरान जय हिंद बोलेंगे छात्र। गुजरात में स्कूली बच्चों को देशभक्ति का पाठ पढ़ाने के लिए हाजिरी की प्रक्रिया में बदलाव किया गया है। विजय रूपानी सरकार ने स्कूलों के लिए नया फरमान सुनाया है। राज्य में 9वीं से 12वीं तक के स्टूडेंट को अब जय हिंद भारत कहकर अटेंडेंस बोलनी होगी। इंदौर को मिली कई सौगात, स्वच्छता के पहले पायदान पर रहा कायम। साल 2018 खत्म हो चुका है और इस बीते वर्ष में प्रदेश में सत्ता परिवर्तन के साथ ही इंदौर शहर को भी स्वच्छता और विकास की सौगात मिली है। यह खिताब दोबारा हासिल किया था तो वही शहर में मास्टर प्लान स्मार्ट सिटी के तहत कई विकास कार्यों की सौगात इस साल में मिली है। डीडीए लेकर आएगा 25,000 फ्लैटों की आवासीय योजना। नई दिल्ली में घर का सपना देखने वाले लोगों के लिए साल 2019 बेहद खास होने वाला है। डीडीए इस साल के दिल्ली वासियों के लिए 25,000 फ्लैट की आवासीय योजना लाने की तैयारी में है। यह फ्लैट दो आवासीय योजना के तहत लाए जाएंगे। इनमें से 10,000 फ्लैट लोकसभा चुनाव से पहले निकाले जा सकते हैं। इस 10,000 के सिवाय 15,000 फ्लैट की आवासीय योजना दूसरी 6 मई में आने की संभावना है। जानकारी के अनुसार डीडीए जल्द ही आवासीय योजना का पहला भाग लॉन्च करने के लिए तैयार है। अब तक 25,000 फ्लैट हो चुके हैं तैयार।